सो हेलो गाइस, कैसे आप लोग? स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। और गाइस वाह, वो डोडो देखो भाई, मेरे ताजमहल के छत पे बैठा हुआ है भाई। डोडो भाई अलग ही स्वैग है भाई उस डोडो का भाई। ठीक है चलो, तो गाइस आप सबका स्वागत है भाई यहाँ पे एक और नई वीडियो में। और गाइस मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नया एपिसोड गाइस, आर्क सर्वाइवल इवोल्व का, आर्क सुप्रीम का। और गाइस आर्क सुप्रीम के पिछले एपिसोड में जो ना गाइस हम गए थे आइस बार्म में, और वहां से जो ना गाइस हम एक खतरनाक एंड ओपी सा जो भाई वुल्फ की तरह दिखने वाला नया डायनो जो है ना गाइस फेनरिर, इसको टेम कर लिया था, जो कि भाई काफी ज्यादा खतरनाक एंड ओपी है। और आपने भाई ये सी वाले अटैक से भाई, ये वाला जो अटैक देख रहे हो गाइस, इससे ये किसी भी डायनो को लगभग भाई 5 से 7 सेकंड तक जो है ना गाइस यहां पे फ्रीज करके रख सकता है। और आज के इस एपिसोड में हम वापस से जो है ना गाइस आइस वाले बायोम में जाने वाले, और वहां से एकदम ओपी वाला जो डायनो है ना कोई वो टेम करके लेके आने वाले। लेकिन गाइस आज का जो एपिसोड है वो शुरू करने से पहले जो भी नए बंदे होंगे यार चैनल पे फटाफट गाइस लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। एंड गाइस 70,000 सब्सक्राइबर का जो अपना गोल है ना गाइस वो जल्दी से कंप्लीट कर देना गाइस। और यहां पे इस वुल्फ की जो ना भाई सबसे घटिया बात यही है कि इसकी मूवमेंट स्पीड बहुत टट्टी है भाई। ठीक है, ये ओवरवेटेड नहीं है गाइस, लेकिन फिर भी देख रहा हूं कितना ज्यादा स्लोली स्लोली दौड़ रहा है भाई। ये जो है ना गाइस मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इसलिए इसको हम उतना ज्यादा यूज नहीं करेंगे। मैं हाई लेवल का कोई फेनरिर टेम करूंगा, उसकी मूवमेंट स्पीड बढ़ाऊंगा, एंड उसके बाद अपन जो ना गाइस उसको आराम से भाई यहां पे यूज कर लेंगे। अभी मेरे को सबसे ज्यादा जरूरी काम क्या है पता है? क्या मैं जाने वाला हूँ गाइस आइस वाले बायोम में, और आइस वाले बायोम में आपको पता ही है कि बर्फ के मारे अपनी कितनी ज़्यादा हवा टाइट होती रहती है। उसके कारण मैं अभी यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले जो है ना गाइस रुक जाओ, यहाँ पे मैं अपना बर्फ वाला जो आर्मर है ना गाइस उसको एकदम ओपी वाला अपग्रेड कर दूंगा भाई। ठीक है, मेरे को कुछ पता नहीं है भाई, मेरे को जो ना गाइस अपना एकदम ओपी वाला जो आर्मर है ना गाइस वो अपग्रेड करना है, मतलब करना है भाई। ठीक है, इसको कर डाल अपग्रेड बेस के आगे, ठीक है, एकदम ओपी सा अपग्रेड कर डाल भाई। ठीक है, एकदम फुल अपग्रेड हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, चला जा भाई, इसको भी अपग्रेड कर दे। पेल्ट भाई, पेल्ट तो अपने पास भर भर के पड़ा हुआ है भाई, चड्डी भी कर दे भाई, चड्डी की जरूरत है। अरे यार फाइबर चाहिए यार, फाइबर कलेक्टर डायनो भाई मेरे को टेम कर। अबे एक काम कर लेता गाइस, आइस वाले बायोम में जा ही रहा हूं तो मेरे को आपको बताइएगा इसकी फाइबर की कितनी ज्यादा कमी पड़ती रहती है। तो एक काम कर लूंगा मैं जो है ना गाइस, अभी आइस वाले बायोम में जाके जो है ना गाइस किसी एकदम ओपी वाले जो है ना भाई थेरिजिनोसॉरस को टेम करूंगा। आपको पता है कि आइस वाले बायोम में कितने ज्यादा थेरी होते हैं, क्योंकि थेरी जो है ना गाइस एकदम ओपी वाला फाइबर कलेक्टर होता है, और थेरी जो है ना गाइस अपन को काफी ज्यादा भाई फाइबर जो है ना भाई 1 सेकंड में यहां पे कलेक्ट करके देगा। इसलिए जो है ना गाइस अभी अपन आइस बायोम में जाके जो ना एकदम ओपी वाले थेरी को डेम करेंगे। अल्फा या फिर एपेक्स थेरी था ना गाइस वहां पे, अल्फा या फिर एपेक्स थेरी भाई। ठीक है, तो उसमें से किसी एक हाथ थेरी को जो ना अपन टेम कर लेंगे। अभी मेरे को लगभग 1000 प्लस फाइबर चाहिए होगा यहां पे, ताकि मैं जो ना गाइस अपना आर्मर जो ना गाइस वो यहां पे अपग्रेड कर सकूं भाई। ठीक है, और इतने से काम नहीं बनेगा भाई, मेरे को बस फाइबर की कमी पड़ेगी, क्योंकि पेल्ट तो मैं भर भर के लेके आया हूं भाई। पेल्ट की तो बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस। ठीक है, पेल्ट तो अपने पास एकदम भर भर के है, इतने से काम बन जाएगा भाई। लगभग 650 जो है ना गाइस फाइबर मैंने यहाँ पे इकट्ठा कर लिया है, और उससे शायद काम बन जाएगा, देख लेते। चलो आ जाओ, लेट्स सी, चलो आ जाओ भाई। अभी मेरे को जो ना गाइस बिल्कुल भी ठंड जो ना गाइस उस नए वाले बायोम में लगनी नहीं चाहिए गाइस। ठीक है, मैं अपना आर्मर जो ना गाइस एकदम ओपी वाला बना रहा हूँ भाई। ये फालतू की चीज़ें जो है ना गाइस वो भी इसके अंदर ही डाल देता भाई। ये ले भाई, हाइड बीट भी डाल देता है, अंडे विंडे संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे भाई। ठीक है, ये ले बेटा, अटेम अपग्रेड, अटेम अपग्रेड, चड्डी पे अपग्रेड कर दे भाई। क्या हो गया, भूख लग गई क्या लाल के लिए? ये खा ले, तेरे भूख का कुछ ना कुछ जुगाड़ अपन कर लेंगे। हेलो, क्या हो गया? अबे यार इतने अच्छे से सजा के रखे थे भाई डायनो, पता नहीं कौन आ गया भाई, त्रुडॉन बिडॉन का इस मेरे घर के अंदर, सारा गुड़ गोबर कर दिया भाई उसने भाई। रुक जा, मेरे को डायनोज को जो ना गाइस वापस से भाई ठीक से लगाना पड़ेगा यहाँ पे, वो लगा दूंगा बाद में। फिलहाल के लिए मेरा आर्मर अपग्रेड करना जरूरी है गाइस। ठीक है, हेलो बेटा, क्या हो गया, अभी क्या कम पड़ रहा है रुला कुछ? अरे यार पेल्ट कम पड़ रहा है यार। ठीक है, मेरे हिसाब से इतने से काम बन जाएगा गाइस अपना, क्योंकि भाई मैक्सिमम जो है ना गाइस 3 चीज़ें मैंने असेंडेंट वाली बना दी है, तो मेरे को नहीं लग रहा कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। मेरे को जो है ना गाइस बस अल्फा और एपेक्स वाले एरो दे दे भाई। ठीक है, अल्फा एरो, एपेक्स एरो भाई। ठीक है, चला जा, एंड प्राइम भी दे देगा तो भी चल जाएगा, प्राइम वाले एरो जो है ना गाइस वो भी दे देगा तो चल जाएगा। तो अल्फा एपेक्स और प्राइम केबल जो है ना गाइस वो मैं यहाँ से निकाल लेता भाई। ठीक है, ये रहेगा इस अल्फा केबल, ऑल राइट, उसके बाद ये रहेगा इस एपेक्स प्राइम केबल, और एपेक्स केबल कहाँ पे, फायर वाला तो नहीं था भाई एपेक्स केबल, ये रहे एपेक्स केबल भाई। ठीक है, चलो भाई, तो सारे केबल भी वाला अपन ने ले लिए हैं। एंड उस बायोम में किसको लेके जाऊंगा मैं, फेनरिर को तो नहीं लेके जाने वाला भाई,
फ्रॉस्ट डायर बियर को लेके चलता भाई, ठीक है, बियर को लेके चलेंगे और वहां पे जो ना कहीं एकदम ओपी वाला कोई ना कोई थ्री डेम करके लेके आएंगे अपन, ठीक है। लास्ट लोकेशन पे चलता हूँ। लास्ट लोकेशन कहाँ की थी? अरे लास्ट लोकेशन भाई अपने इस बार की थी। और ठीक है, रुक जाऊँ, रुक जाना पड़ेगा जॉन, हाँ भाई यहाँ पे जाना पड़ेगा भाई, ठीक है चलो लेट्स गो गाइस। अभी जो ना गाइस एकदम ओपी वाला जो ना गाइस थिरिजिनोसॉरस अपने पास आने वाला है। मैं वहाँ पे देखूंगा कि कौन सा वाला थिरिजिनोसॉरस जो ना गाइस एकदम कूल लग रहा है ब्रो, और जो भी थिरिजिनोसॉरस एकदम कूल लग रहा होगा ना गाइस उसको अपन मस्त बिकी टेम कर देंगे भाई, ठीक है। बस टेलीपोर्ट मारने में भाई 400-500 साल लग जाएंगे, बस मेरे को वहाँ पे भाई ठंडी ना लगे गाइस, ठीक है। अगर ठंड लगी ना, ओ इस बार वाह फिर बेल तो जा रही है भाई, असेंडेड आर्मर बनाया भाई मैंने, देख रहा भाई -46 भाई यहाँ पे कितना है फिर यार क्या बोलूं भाई कुछ नहीं होने वाला यार मेरा, मेरे को ठंड तो फिर भी लग रही है और मेरी हेल्थ फिर भी जा रही है भाई। बोलो गाइस बोलो, बताओ भी क्या करें भाई, कोई उपाय इसके ऊपर? मैंने इतना ज्यादा ओपी वाला भाई अपने आर्मर बना दिया है भाई, इससे ओपी क्या बनाऊ? हाँ थोड़ी सी चीजें जो है ना गाइस वो असेंडेड अभी तक मैंने बनाई नहीं है, उनको मैं असेंडेड बना सकता हूँ गाइस, लेकिन भाई उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा यार, मेरे को पेल्ट बिल्ड चाहिए होगा, पेल्ट जमा करना पड़ेगा, ठीक है। चलो भाई एक्सप्लोरेशन करते करते और भाई अपना थिरिजिनोसॉरस जो है ना गाइस वो ढूंढते ढूंढते थोड़ा सा पेल्ट यहाँ पे जमा कर लूंगा गाइस मैं, और ड्राइनो को मार दे भाई, ड्राइनो को मारने से पेल्ट मिलता है भाई, ठीक है भर भर के। कांगारू को मार दे, कांगारू को मारने से भी भाई भर भर के पेल्ट मिलता है भाई, ठीक है। ऐसा मेरे को लगाता लेकिन नहीं मिलता पेल्ट, ऑल राइट इसको मार दे, इसको मारने से पेल्ट जरूर मिलेगा भाई। नहीं मिला भाई पेल्ट, इसको भी डेम कर सकता हूँ प्राइम वाले गाइस यहाँ पे भाई, गीगा को भाई गिगांतु पे दिखा इसको, लेकिन मेरे को फिलहाल के लिए थिरिजिनोसॉरस चाहिए ताकि मैं जो ना गाइस भर भर के फाइबर यहाँ पे इकट्ठा कर पाऊँ। गेंडा स्वामी आवा रही हूँ, थेरी को देखा है क्या कहीं पे भाई? गेंडे स्वामी को जो है ना गाइस काफ़ी ज़्यादा गेंडे स्वामी यहाँ पे घूम रहे हैं भाई। हेलो वुल्फ कैसा है? वुल्फ को मारने से भी पेल्ट मिलता है ना। अबे ये कौन है? रॉक एलिमेंटल, अबे तो बर्फ वाला कैसे बन गया? तेरे ऊपर अपनी ट्रैंक वर्क करती है क्या? अबे इसके ऊपर ट्रैंक वर्क नहीं करती है भाई। हेलो, अरे बर्फ बिरफ फेंक रहा है भाई। हेलो अंकल, ये रॉक एलिमेंटल गाइस आइस वाला रॉक एलिमेंटल है क्या? लग तो वैसे ही रहा है भाई, काफी खतरनाक लग रहा है। मैं इससे जो ना थोड़ा सा दूर निकल लेता हूँ भाई, पत्थर पत्थर फेंक रहा है भाई, पत्थर मार रहा है भाई छोटे बच्चों की तरह, निकल लेता हूँ गाइस ऐसे। अरे यार बर्फ के मारे मेरी हेल्थ जो डाउन हो रही है ना भाई, मैं आपको क्या ही बताऊँ गाइस। बस थिरिजिनोसॉरस भाई जब टेम करने होते ना भाई एक भी थिरी नहीं दिखाई देगा, उस टाइम पे कितने थिरिजिनोसॉरस दिख रहे थे भाई, अभी एक भी नहीं दिख रहा। बोलो पेल्ट तो मेरे को काफी ज्यादा मिल रहा है गाइस, और वो मेरे लिए काफी अच्छी चीज है कि मेरे को इतना ज्यादा पेल्ट मिल रहा है भाई, ठीक है। इससे मेरा आर्मर जो ना गाइस एकदम ओपी वाला अपग्रेड कर सकता हूँ मैं। बस थेरी अभी दिखाई नहीं दे रहा कोई भी, गेंडा नीचे दिखाई दे रहा भाई। लोडो बिडो है भाई, मेगा तेरे मावा रही हूँ। अच्छा एंकलो कैसे है बेटा? एंकलो से कुछ नहीं मिलेगा, इससे पेल्ट मिल जाएगा भाई, ठीक है आ जाओ चलो। मेरी हीलिंग पोशन खत्म ना हो जाए भाई यहाँ पे इस बार ठंड के चक्कर में। अबे गुफा विफा है क्या? कोई गुफा नहीं है भाई, एक भी थेरी दिखाई नहीं दे रहा गाइस। पिछले एपिसोड में आपने देखा था गाइस कितने ज्यादा थिरिजिनोसॉरस दिखाई दे रहे थे मेरे को, मैं बस रोड पे जैसे घूमे जा रहा था बस थिरिजिनोसॉरस के ऐसा बारिश हो रही थी गाइस। आज मेरे को अभी जो है ना गाइस एक भी थिरिजिनोसॉरस नहीं दिख रहा भाई। भाई ये गेम जो है ना गाइस आर्क सच में भाई बहुत ज्यादा ही फालतू गेम है भाई, जो चीज आपको चाहिए होती है ना वो आपको कभी भी नहीं मिलेगी भाई। ऑलराइट मिल गया भाई, कितने लेवल है? 11 लेवल भाग बेस क्या, इसको ना डेम करूंगा भाई मैं। 11 लेवल के तेरे को डेम नहीं करूंगा, ये कितने लेवल का है? 79 लेवल, हाँ ये ठीक ठाक लेवल है गाइस। अबे बेस क्या मेरे को भाई नीचे उतारे, अरे अरे भाई 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 कबल के ये माइक्रो रैप्टर भाई डायनो से नीचे उतार देते डायरेक्टली। एपेक्स मेगाथेरियम, ठीक है काम कर लेता गाइस। इसी थिरिजिनोसॉरस को जो ना भाई टेम कर लेते हैं अपन। लुक जो ना गाइस इसका काफी ओपी लग रहा है और अल्फा वाला है ना गाइस, तो अल्फा वाले को इस वाले से मैं भाई नॉकआउट कर सकता हूँ शायद भाई, रुक जाओ देख लेता हूँ। अरे नहीं यार अल्फा ट्रैंक ही चाहिए होगा भाई, ये अलग ही स्वैग है इनका भाई, अल्फा डायनो मतलब अल्फा ट्रैंक ही चाहिए भाई, और कोई ट्रैंक नहीं चलेगा भाई। थेरी भाई अग्रेसिव नहीं है क्या? हो गया अग्रेसिव, ले बेटा क्या है लाड़ में अग्रेसिव हो रहा था भाई। अबे यार इसको अल्फा भाई देखो ये जो है ना गाइस, रुक जाओ पहले मेरे को जो है ना यहाँ से सामान निकालने दो, म्यूजिक सीजिक बज रही है भाई, कोई आके चेपना डाले मेरे को भाई, ठीक है भाई मीट बीट ले ले साथ में भाई, ठीक है एलिंग पोशन खा ले। ये जो है ना गाइस अल्फा थिरिजिनोसॉरस है, और भाई अच्छा एपेक्स लिख के आ रहा था वो अभी किबल खाएगा, और अभी लिख के आ रहा है अल्फा खाएगा भाई, समझ में नहीं आता भाई। ये डायनो के ऊपर बैठ के जब भी अपन देखते हैं ना गाइस
तो कुछ ना कुछ उल्टा ही दिखाता है भाई। नॉट टेमेबल वाले डायनो भी दिखा देते कि टेमेबल है भाई। ठीक है चलो गाइस अपना काम हो चुका है। अल्फा थेरिजिनोसॉरस जो है ना गाइस वो हमको मिल चुका है 118 लेवल का भाई, और इसका लुक जो है ना गाइस वो भी काफी ज्यादा ओपी है। और मेरे को जो गाइस पेल्ट चाहिए था ना गाइस वो पेल्ट भी मेरे को मिल चुका है। एंड मेरे हिसाब से अभी जो है ना गाइस अपना काम 25 हो चुका है, और मेरा जो एकदम फर वाला ओपी सा आर्मर है ना गाइस वो भी आई थिंक असेंडेंट वाला भी बन जाएगा गाइस। ठीक है देखते चलो। और अपने पास भाई अभी फाइबर कलेक्टर भी आ चुका है एकदम खतरनाक वाला भाई, ठीक है अपना थेरिजिनोसॉरस। तो अपन को फाइबर की कमी जो है ना भाई अभी जिंदगी में नहीं पड़ने वाली है। देखते चलो अभी क्या होता है गाइस। ठीक है बेस पे जाते इसका सैडल बनाते और देखते गाइस ये हमारा जो थेरिजिनोसॉरस है ना गाइस वो कितना ज्यादा खतरनाक है भाई। ठीक है और इसके पास कौन कौन से स्पेशल विशेल वाले कोई अटैक बिटैक है भी या नहीं है भाई, ठीक है वो देख लेते हैं। वो हमको सबसे पहले चेकआउट करना पड़ेगा यहाँ पे। ऑल राइट यस यस लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। ऑल राइट ये क्या है भाई? अरे तो फेंड्री रे भाई। अरे मेरा थेरी किधर है मेरे भाई? हाँ ये रहा मेरा थेरी। ऑल राइट अल्फा थेरिजिनोसॉरस का भाई सैडल बनाने के लिए बताइए क्या क्या चाहिए हमको। ऑल राइट थेरिजिनोसॉरस अल्फा 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 बेटा अल्फा हाँ अल्फा अल्फा इनगट। अरे अल्फा इनगट कहाँ से बनाऊँ अभी मैं? अल्फा इनगट कहाँ पे बनेगा? अल्फा इसेंस इनगट कहाँ पे बनेगा? अबे हेलो अल्लाह हाँ नार्कोटिक ने अल्फा इनगट चाहिए मेरे को। अल्फा इनगट कहाँ पे बनेगा गाइस? वो दल भाई ये क्या चीज है? ये इसेंस तो बना लिया मैंने, लेकिन इनगट कहाँ पे बनाऊंगा? किबोल और समोन बॉसेस वाह बेटे वाह। ये अल्फा इनगट ये क्रिस्टल है भाई, क्रिस्टल से इनगट बनता है क्या? आई डोंट नो यूज्ड फॉर भाई अल्फा इनगट कहाँ पे बनेगा गाइस ये मेरे को पता नहीं है भाई। ठीक है मतलब आपने कट गए गाइस। ठीक है हमने थेरिजिनोसॉरस तो भाई बना लिया यहाँ पे, लेकिन इसका सैडल जो है ना गाइस वो अभी अपन नहीं बना सकते भाई। ठीक है थेरिजिनोसॉरस तो अपन ने टेम कर लिया, लेकिन इसका सैडल जो है ना गाइस वो बनाना भाई अपने बस की बात नहीं फिलहाल के लिए भाई। ठीक है एक काम कर ले भाई अपनी चड्डिया बिड्डिया जो है ना गाइस वही अपग्रेड कर लेता हूँ अभी के लिए भाई। ठीक है ले बेटा कर ले अपग्रेड चला जा भाई। ले ले भाई असेंडेंट वाली चड्डी भाई। ठीक है पेन ले भाई अभी तो भाई ठंड ना लगे भाई मेरे को। ये ले बेटा चला जा भाई असेंडेंट हो गया असेंडेंट भाई अभी बस ठंड ना लगे भाई सारी चीजें असेंडेंट वाली बना दी है भाई। ठीक है चलो गाइस देख लो भाई थेरिजिनोसॉरस का जो ना गाइस लुक देख के मेरे हिसाब से जो ना गाइस आपको आज का दिन जो ना गाइस वो काटना पड़ेगा भाई। इसका सैडल मैं अगले एपिसोड तक जो ना गाइस बना लूंगा। तो गाइस ये देखो हमारा खतरनाक सा सफेदी की दुकान गाइस थेरिजिनोसॉरस भाई। ठीक है देख रहे हो देखने में तो काफी ज्यादा कूल लग रहा है गाइस। इसका लुक जो है ना गाइस वो काफी ज्यादा ओपी है, व्हाइट कलर का है पूरा का पूरा और रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, और दिखने में तो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। इसका लुक जो है ना गाइस वो मेरे को काफी ज्यादा पसंद आया गाइस। आपको जो है ना गाइस हमारे इस थेरी का लुक कैसे लगा नीचे कमेंट करके बता देना, और इसके लिए जो है ना गाइस एकदम ओपी वाले नाम नीचे कमेंट सेक्शन में डालना बिल्कुल नहीं भूलना भाई। ठीक है इसका सैडल गाइस इसका सैडल तो अभी अपन बना नहीं सकते भाई। ठीक है तो इसकी थोड़ी सी लेवल अप बढ़ा के जो है ना गाइस यहाँ पे रख देता हूँ भाई इसको भाई। ठीक है रुक जाओ गाइस थोड़ी सी लेवल अप कर लेता हूँ इसकी, ताकि जो है ना गाइस कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी ने अगर अटैक बिटैक कर दिया ना अपने बेस पे तो अपने बेस को प्रोटेक्ट करने का काम जो है ना गाइस अपना थेरिजिनोसॉरस करेगा भाई। ठीक है आ जा बेटा चल लेट्स गो भाई। ऑल राइट गाइस थेरिजिनोसॉरस जो ना गाइस वो अपने किसी काम का नहीं रहा भाई। ठीक है मतलब काम का नहीं रहा मतलब अपने पास सैडल नहीं है उसका, और अभी फिलहाल के लिए मैं सैडल बना नहीं सकता, और अल्फा इनगट विनगट कहाँ से आएगा वो मेरे को पता नहीं। अगर आपको किसी को पता होगा ना गाइस कि अल्फा इनगट जो है ना गाइस आर्क सुप्रीम में कहाँ से आता है या फिर हम कहाँ पे बना सकते हैं तो मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर से बता देना गाइस, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है भाई। फिलहाल के लिए इस बियर को लेके जाके जो ना भाई थोड़ी सी आजू बाजू तबाही मचा लेते भाई अपन। ठीक है आ जाओ ये आइस वाले बियर से जो ना गाइस किसी ना किसी को पेलम पाल देंगे। हेलो सर हाउ आर यू क्या बोलती पब्लिक मर गया क्या? ये फेंड्रिड से मारे क्या अपना जो फेंड्रिड वुल्फ है ना गाइस उससे मार देते ना भाई। अबे यार ये कौन मच्छर आ गया भाई? असेंडेंट आर्मर पहना हुआ भाई मैं। ले बेटा हो जा फ्री चल फेज की आग लाड़ में आ रहा था भाई, बर्फ वाला अटैक देके डायरेक्टली वहीं पे फ्रीज कर डाला भाई उसको। ठीक है चलो आ जाओ भाई यहाँ पे जो ना गाइस अभी, अरे यार यहाँ पे भी तो थेरी था, ये डेल्टा थेरी था भाई, और डेल्टा थेरी को बनाने के लिए भी आई थिंक उसका सैडल बनाने के लिए मेरे को डेल्टा वाला कुछ इनगट विनगट चाहिए होगा मे भी पता नहीं भाई। एक रुक जाओ थेरिजिनोसॉरस सारे के सारे थेरिजिनोसॉरस वैसी है क्या? उनका सैडल के लिए हाँ इनगट एपेक्स इनगट चाहिए।
अल्फाइनगढ़ चाहिए। आई डोंट नो भाई ये इनगढ़ बनेगा कहाँ पे। आई थिंक मैं इसेंस को कुक करूँगा तो इनगढ़ बनेगा, पता नहीं गाइस, ट्राई मार सकते हैं। फिलहाल के लिए जो ना गाइस या भी फेंडरिन से अभी या फुल टू तबाही मचा देते हैं भाई, ठीक है। ओके ले बेटा हो जा फ्रीज। क्या बात है, देख रहे हो कैसा फ्रीज हुआ गाइस, ये देख रहे हो कैसे फ्रीज हो गया गाइस। आए आए यही तो अपने फेंडरिन की असली ताकत है भाई, फ्रीज करके किसी को भी पेलम पाल दे सकता है गाइस, किसी को भी भाई एकदम मजे में भाई। बस ज़्यादा हेल्थ ना होनी चाहिए उसकी भाई, ठीक है। थोड़ी सी कम कम हेल्थ होगी ना तो ये मार देगा, क्योंकि इसका डैमेज 1000 ही जा रहा है, उतना ज़्यादा नहीं जा रहा भाई, ठीक है। ले बेटा इसको भी फ्रीज कर डाल। फ्रीज भाई हेलो ट्राई कैसा है, लाड़ में आ रहा है अंकल। अरे भाई उसका भाई आ रहा है यार साइड से, उसको भी फ्रीज कर डालूंगा भाई, टेंशन नहीं लेने का भाई। हेलो अरे तुमको दोनों को फ्रीज होना है क्या भाई। हेलो अंकल, अबे यार रुक जाओ पावर देखो अभी मेरा, पावर देख भाई इसके। अभी इसको फ्रीज कर डाला और वो भाई फ्रीज से हट गया गाइस। बोलो भाई वो मर गया, वो भाई ये अपने भाई को बचाने के लिए आ गया था भाई, इसकी खुद की पेड़ी बन गई भाई यहाँ पे। बाय बाय हैव अ ग्रेट टाइम, टाटा बाय गुड बाय हो गया गाइस। ये भाई अपने मित्र को बचाने के लिए आया था भाई, लेकिन गाइस उसकी भी पेड़ी बन गई, उस भी भाई खतरनाक से ट्राइक की जो ना गाइस हमने पेड़ी बना डाली भाई। ये फेंडरिन जो ना गाइस ये काफ़ी ज़्यादा कूल डायनो है यार, और अपना थीरी भी जो ना गाइस वो भी काफ़ी ज़्यादा कूल डायनो है, ठीक है। चलो एक काम कर लेते हैं भाई, कूल बाद में देखेंगे अपन, बाद में सब कुछ भाई। ये डायनो जो डायनो अपन ने टेम करे ना गाइस, इनके अटैक भी अटैक, खास करके थीरी का अटैक जो ना गाइस अगले एपिसोड में देख लेंगे। अगले एपिसोड में जो ना गाइस जुगाड़ करके कुछ ना कुछ अपन उसका सैडल बना लेंगे, और उसके अटैक भी अटैक जो है ना गाइस उसकी पावर क्या है ना गाइस अल्फा थीरी की, वो हम अगले एपिसोड में देख लेंगे भाई, ठीक है। फिलहाल के लिए आज का जो एपिसोड है आर्क सर्वाइवल इवोल का, आर्क सुप्रीम का, वो यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं जब से अगले एपिसोड में गाइस आर्क सुप्रीम के, तब तक के लिए बाय बाय। और हमारे थीरी के लिए, अल्फा थीरी के लिए भाई अच्छे अच्छे नाम नीचे कमेंट सेक्शन में डालना नहीं भूलना, और अल्फा इनगट कहाँ पे बनेगा अगर किसी को पता होगा तो वो भी नीचे कमेंट करके जरूर से मेरे को बता देना। तो मिलते हैं जब से अगले एपिसोड में आर्क सर्वाइवल इवोल के गाइस यहाँ पे आर्क सुप्रीम के, तब तक के लिए बाय बाय एंड गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर। How careless we be. Yeah. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were